अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो एजिंग हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है वीवी शेल एजिंग। तो आए शुरू करते हैं। एजिंग बनाने के लिए मैंने बेस पहले से ही बना के रख ली है। अब सबसे पहले इसमें तीन चेन स्टिचेस बनाने हैं। उसके बाद तीन डबल क्रोशे, 1, 2, 3। इसके बाद चार चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब इन चार चेन्स को हम कनेक्ट कर देंगे सबसे पहले वाले डबल क्रोशे के साथ। इसे हम स्लिप नॉट से कनेक्ट करेंगे कुल इस तरह। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिंग बन गया। इस रिंग में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने के बाद इस रिंग में 7 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डबल क्रोशेस बनाने के बाद अगले 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना, 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर 4 चेन स्टिचेस करने। लास्ट टाइम हमने पहले वाले में रिंग बनाया था स्लिप नॉट के साथ। इस बार हमने जहाँ पे 7 डबल क्रोशेस बनाए थे जो पिछला रिंग है वहाँ से स्लिप नॉट करने हैं, बिल्कुल इस तरह। एक सिंगल स्टिच और उसके बाद फिर से 7 डबल क्रोशेस इस रिंग में, सेकेंड रिंग में। इस तरह हमारे पास एक वेव बन जाएगी शेल स्टिचेस की। जिस तरह सेकंड वाला बनाया था उसी तरह थर्ड, अगले 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे करना है। फिर 4 चेन स्टिचेस और स्लिप नॉट की मदद से पिछले वाले के रिंग में 3rd रिंग भी यहाँ बन गया। एक सिंगल क्रोशे स्टिच और उसके बाद अगले में 7 डबल क्रोशेस। यही हम रिपीट करेंगे। वीवी शेल स्टिच लाइन कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है।
दीज आर द वेव्स और ये शेल स्टिच की मदद से बना गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या फिर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।